ये नरम नरम बर्फी जो बड़े बच्चे बूढ़े सब बड़े चाव से खाते हैं, ये मावे की बर्फी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो कैसे बनाते हैं तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये इतनी नरम होती है जो बूढ़े लोग भी मुंह में रखें तो गायब भी हो जाती है, तो कि और बच्चे भी खाना पसंद करते हैं। तो मैं इसको खोए की बर्फी बनाई हुई है, तो खोए की बर्फी बनाते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ कि इस तरीके से बर्फी बनाई है। तो इससे पहले मेरी वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसी बात पे सब्सक्राइब करें। तो मैं चलती हूँ वीडियो की तरफ। तो मैं सबसे पहले चीनी को लेती हूँ और चीनी को लेके मैं एक कप चीनी पहले कढ़ाई में डालती हूँ और कढ़ाई चढ़ाती हूँ और उसके बाद मैं एक कप पानी को वो डाल देती हूँ और उसको चाय गैस पे ऑन कर देती हूँ। गैस पे इसको अच्छे से देखिए चाशनी बिल्कुल ही अब बराबर से चलाते रहिए और चलाते चलाते इसमें झाग जब ख़त्म जब झाग जब ना रहे तो इसको चलाते रहिए और ये जब गाढ़ी हो जाती है जब इसको सफ़ेद सफ़ेद जमने लगती है और इसको जब देख लो तार जैसे जमने लगती है तो इसमें फिर जब ये चाशनी बिल्कुल तैयार हो जाती है उसके बाद में ये खोए को मैं इसी में ऐड कर देती हूँ और खोए को ऐड करके फिर उसके बाद में भी मिला देती हूँ इसको चाशनी को। तो और एकदम से बन के तैयार हो जाती है बर्फ़ी और देख सकते हैं इस तरीके से बर्फी। मैंने ये कढ़ाई से पलट लिया है, पलट के ये देखिए पत्थर हो गई है। अब इसको काटने में भी दिक्कत होगी, पहले से काटी नहीं थी तो अब मैं इसमें चक्कू की गड़ाते हैं तो चक्कू भी नहीं गड़ रहा है। तो मैं इसको अब इसी तरीके से एक तरफ से पूरी ही निकाल लेंगे, इसमें कटती तो है ही नहीं। तो मैं इसको अब निकाल लेते हैं, पहले इसको बस कट लगा देते हैं। कट लगा दिया है तो इस तरीके से लकीरें कर देते हैं, कट बन के तैयार हो जाती है। तो बस इसको इस तरीके से जैसा मन हो वैसे ही काट लेना चाहिए, काट कट कर लेना चाहिए। चाहे इसको कीजिए मन चाहे कतरियों में काट लो। तो मैं इसको कट कर लिया है और बस इसको मैं निकालने वाली हूँ, निकाल लेती हूँ। तो देख सकते हैं इस तरीके से बस कट लग चुका है। मैंने काजू कतली की सेब में इसको कट लगा दिया। अब हमारा कट लग चुका है, अब मैं इसको निकालने वाली हूँ। बस एक तरफ से मैंने थोड़ी सी निकाली और उसके बाद में बिल्कुल नीचे से ही निकालती जा रही हूँ। देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सारी बर्फी को निकाल लिया है और ये इतनी नरम बन गई है कि बिल्कुल एकदम से खोए की बर्फी बिल्कुल नरम बन गई है। इसको मैं अब मेरी पूरी की पूरी ये कट हो चुकी है। अब मैं इसको एक डब्बे में भर के रख देती हूँ और देख सकते हैं इसको छोटे छोटे में तोड़ देती हूँ और तोड़ के इसको सारे तोड़ के लगा देती हूँ, छोटी छोटी कतरियाँ कर देती हूँ ताकि ये बच्चों को और सबको देते में आसान रहे और आसानी से ये सबको। प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मेरी बर्फी देखिए तैयार हो चुकी है और मैं और थोड़ी सी बनी थी, ज़्यादा नहीं। तो देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी। और अब इसकी कतरियाँ सारी निकल चुकी, कट कर चुके हूँ और ये देख सकते हैं कितनी खस्ता और कितनी दानेदार ये बर्फी। अच्छी बाजार वाली बर्फी में चिकनी होती है वो वाली, किसी किसी को पसंद होता है किसी किसी को नहीं पसंद होता है। तो घर की बर्फी जमाने में ये बिल्कुल ही अच्छी रहती है। तो
देख सकते हैं ये मावा वाली बर्फी खोया वाली बनाया हुआ है। बन गई बर्फी, तो इसमें लाल चमक भी होती है और बहुत ही टेस्टी भी रहती है। तो फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हमारा हो चुका है, बन चुका है, और आप लोग भी बनाएं, खाएं, जिसको खाना हो वो आ जाए। फॉर वॉचिंग।